ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर हाइबॉक्स को लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल करके सामने आया है, जो कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वेल, यहाँ पर सबसे पहले हाइबॉक्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, और कुछ लोगों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी, जैसे कि यहाँ पर एक शख्स ने जो है 15 लाख के आसपास इसके अंदर इन्वेस्ट करा था। गाइस, मैंने अभी तक सुना है कि किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी के 80,000, 82,000, ऐसी इतनी अमाउंट सुनी है, 15 लाख, और वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट यहाँ पर करी थी। यानी कि वो जो पैसा था 15 लाख का, वो लोन लिया गया था एक तरीके से, जो कि हाईबॉक्स में डाल दिया गया था। एंड अगर आपको मालूम नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि हाईबॉक्स का पैसा है जो यहाँ पर अकाउंट सीज़ किए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 62 करोड़ के आसपास पकड़े गए हैं। हालांकि 80% के आसपास यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिप्टो माइनिंग में उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया था। अब ये क्रिप्टो माइनिंग क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया है अपने इससे पहले वाली वीडियो में, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। वेल, यहाँ पर हाईबॉक्स वालों ने क्रिप्टो के अंदर सारा पैसा डाला था, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ प्लस यहाँ पर जो पैसा है वो क्रिप्टो के अंदर डाला गया था। और यहाँ पर वो पैसा मेरे हिसाब से ये वियतनाम के अंदर विड्रॉल करने वाली है, जिस तरीके से भी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा था, पीछे भी न्यूज़ आई थी इसके रिगार्डिंग, जब भी इसका बांडा फूटा था हाईबॉक्स का, उस टाइम पर इन्होंने बताया था जो हाईबॉक्स के एम्प्लॉयज़ थे कि ये क्रिप्टो में अपना पैसा डाल रहे हैं, उस वहाँ से जो है पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जिस वक्त में ये हाईबॉक्स भागा था, उसके तुरंत बाद ही दिल्ली के अंदर, ख़ास दिल्ली के अंदर ही फर्स्ट डे में जिस दिन ये भागा था, उस दिन CBI के अंदर लगभग 25,000 प्लस से ज़्यादा यहाँ पर केस रजिस्टर हुए थे, जिसके बाद में उन्होंने रिस्पॉन्ड मतलब इस पर ध्यान दिया। जाहिर सी बात है, जब इतने ज़्यादा एक पर्टिकुलर चीज़ के लेकर के इतने ज़्यादा केस फाइल होंगे, तो जाहिर सी बात है किसी का भी ध्यान चला जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ज़्यादातर लोगों का जो CBI में जो जिन्होंने फाइल किया है केस, उनका पेंडिंग पर ही चल रहा है, और जिन लोगों का मतलब सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोसेस हुआ है, तो उनका पैसे नहीं मिले हैं, उनका जो केस है वो यहाँ पर क्लोज्ड हो चुका है, उनकी जो फाइल है वो क्लोज्ड हो चुकी है। इस तरीके के रिव्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं, मैं जो स्क्रीनशॉट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सारी जो हाईबॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्स है वो सारी की सारी वहाँ पर डाली हुई है। एंड यही था आज की इस वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगती लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अच्छे अगली इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।